चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी एक बार फिर से चर्चा और मध्य प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में क्या नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, इस विषय पर अजय हाडिया जी से बातचीत करेंगी तृप्ति। ओवर टू यू तृप्ति। शुक्रिया प्रेरणा, और स्वागत है आपका अजय जी। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि कैंसर, लोग नाम सुनकर थोड़ा सा घबरा जाते और जब कैंसर के मरीज सामने आते हैं तो हमने देखा है कि अलग अलग लेवल पे वो बीमारी बढ़ती जाती है और घातक भी होती है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि ये बीमारी घातक है लेकिन क्योर कितना इजी है? नमस्कार। जैसा आपने कहा कि कैंसर जैसे ही पता लगता है मरीज को, उसके परिवार वालों को, तो वो घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि मरीज का जीवन कुछ ही दिनों का बचा हुआ है। और वही ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी। परंतु ये पूरा इलाज लेने के बाद भी मरीज के जीने की संभावना बहुत कम होती है और ये माना जाता है कि कैंसर का मरीज अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता है। परंतु देवी अहिल्या हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरे देश में जाना जा रहा है और हम जो इलाज अपने यहाँ करते हैं वो इलेक्ट्रोमोपैथी सिस्टम मेडिसिन से, जो कि एक पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। और कैंसर को यदि अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए तो कैंसर क्योरेबल भी है। और ये हम देखते हैं कि जनरली कैंसर हमें लेट स्टेज में पता लगता है, उस स्टेज में भी हम कैंसर के मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये देखने में आता है कि जब कैंसर का जब हम इलाज करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रिकॉशंस उसके फूड, उसके न्यूट्रिशंस में करने होती है। और ऐसा माना जाता है कि कैंसर होता है तो कैंसर के जो सेल्स हैं वो प्रोटीन खाने का काम करते हैं, जबकि एलोपैथी के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी जाती है। और हम अपने इलाज में अपने मरीजों से बोलते हैं कि आपको प्रोटीन बिल्कुल नहीं खाना है। तो जब शरीर के अंदर जब कैंसर सेल्स को जो प्रोटीन नहीं मिलेगा तो निश्चित है कि कैंसर सेल्स कुछ उनका भोजन नहीं मिलेगा तो कैंसर खत्म होना चालू होता है। और हमारा ट्रीटमेंट साथ में एक सपोर्टिव इलाज करता है। और कई बार हम देखते हैं कि जो मरीजों की लाइफ डिसाइड होती है 1 महीने 15 दिन 2 महीने, और हमारे इलाज से वो मरीज 2 साल से भी 3 साल से भी जीवित हैं। और कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो क्योर्ड भी हो गए हैं। आपने थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा, क्यूरियोसिटी बढ़ गई मेरी। ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी आपने कहा, ये मेथड है क्या? आसान भाषा में समझना चाहे तो ये क्या मेथड है? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कैंसर का इलाज जाते हैं लोग ऑन्कोलॉजिस्ट से करवाते हैं, एक लंबी प्रक्रिया चलती है जो कि कीमोथेरेपी, फिर रेडिएशन वगैरह होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है? देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी पूर्ण रूप से प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है और मूल रूप से ये इटली से हमारे इंडिया में लगभग 150 साल पहले आई है। और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, इसमें जो प्लांट्स होते हैं उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के हम उसकी मेडिसिन बनाते हैं। हमारी जो मेडिसिन है इसमें प्लांट्स एक्सट्रैक्ट होता है इस, और कोहबेशन मेथड से इसकी मेडिसिन तैयार की जाती है। और प्लांट्स के जो भी अल्कोलाइड्स एक केमिकल होते हैं उसे निकाल दिया जाता है, तो उसमें केवल एनर्जी होती है। पौधे जब सनरेज की उपस्थिति में, जब हमारी जो भूमि से, जमीन से जब वो न्यूट्रिशन लेते हैं और उसके अंदर जो भी एनर्जी होती है वो उस एनर्जी को हम मेडिसिन के रूप में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि हमारे शरीर में 2 वाइटल फ्लूड हैं, ब्लड एंड लिम्फ, रक्त और लसीका, और इसकी ही इम्प्यूरिटी से हमारे शरीर के अंदर कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है या कोई भी बीमारी उसी वजह से होती है। तो हमारे इस इलेक्ट्रिक सिस्टम में ऐसे प्लांट्स लिए गए हैं जो कि ब्लड और लिम्फ को प्योरीफाई करते हैं, तो कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी ठीक करते हैं, क्योर भी करते हैं, साथ में अन्य कोई भी बीमारी हो वो उसका भी इलाज इस सिस्टम में किया जाता है। लेकिन कैंसर जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं, तो क्या सबके लिए अलग अलग पद्धति होती है या एक समान? देखिए, कैंसर के हम कहते हैं कि हमने एक नाम से हमने बता दिया है कि यदि थ्रोट में कैंसर हो, लेरिंग्स में कैंसर हो, स्टमक में कैंसर हो, कोलन में कैंसर हो तो हमने कोलन कैंसर कह दिया है, लंग्स में हो तो हमने लंग कैंसर कह दिया है, टंग में हो तो हमने टंग कैंसर कह दिया है, रेक्टम में हो तो रेक्टम कैंसर कह दिया है, बोन्स में हो तो बोन्स कैंसर कह दिया है, ब्लड में हो तो हमने ल्यूकेमिया कह दिया है। तो चूंकि हमारा ये मानना है कि कैंसर तो एक ही शरीर में, जब किसी भी पार्ट्स में कैंसर जब आता है
तो पूरे शरीर में फैल जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि पेशेंट को जब कैंसर डायग्नोस होता है, उसका ऑपरेशन होता है और कुछ दिन बाद वो मेटास्टेटिक स्टेज में पहुंच जाता है, मतलब शरीर के एक ऑर्गन से वो पूरी बॉडी के ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है, वो मेटास्टेटिक स्टेज होती है। तो कैंसर हम जो बोलते हैं, हमारे इस सिस्टम के अंदर हम जब इलाज करते हैं तो किसी प्रकार का कैंसर हो, वो बॉडी का या तो ब्लड कैंसर हो उसका भी इलाज संभव है, लीवर कैंसर हो, गॉलब्लैडर कैंसर हो, कोलोन कैंसर हो, रेक्टम कैंसर हो, कोई भी कैंसर हो, हर किसी कैंसर का इलाज करते हैं। अच्छा, देवी अहिल्या अस्पताल, नाम में ही अहिल्या देवी का जिक्र है, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप देखते हैं कि इस अस्पताल के डायरेक्टर के तौर पर आपने क्या विजन सेट किया है कि कैंसर जैसी घातक बीमारी को लेकर अवेयरनेस तो एक अच्छी बात है जो आज हमारे मंच के माध्यम से आप दे रहे हैं, लेकिन लोग इसे सुविधाजनक तरीके से इलाज करवा पाएं, इसके लिए कैसे जिम्मेदारी महसूस करें? देखिए, जनरली जब कैंसर डायग्नोस होता है तो बड़े बड़े सेंटर्स में, कैंसर संस्थान में डायग्नोस होता है और वहीं पर मैक्सिमम इलाज होता है, और हमारे पास जो मैक्सिमम मरीज ऐसे मरीज आते हैं या अपना ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडिएशन कर चुके होते हैं और जब ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अब इनकी सेवा करिए, मतलब इनकी लाइफ अब एक महीने के बाकी है, दो महीने के बाकी है, लाइफ डिसाइड कर देते हैं, उस स्टेज में जब मरीज बहुत पेन में होता है, बहुत तकलीफ में होता है, उसको ब्लीडिंग हो रहा है, उसको नेक्रोसिस हो रहा है, वो मॉर्फिन में चला जाता है, उस स्टेज में मरीज हमारे पास आते हैं, उस समय हम उस मरीज की तकलीफ को कम करते हैं, पैलेटिव केयर हम बोलते हैं उसको, कि पूरा कैंसर का इलाज ही पैलेटिव केयर में आता है, कीमोथेरेपी दे रहे हैं वो भी पैलेटिव केयर में, तो उस आखिरी स्टेज में मरीजों का हम इलाज करके उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग करते हैं। ऐसे मरीज जो कैंसर जब डायग्नोस होता है तो उनकी फिजिकल कंडीशन ये नहीं होती है कि वो कीमोथेरेपी ले सके, उस स्टेज में डॉक्टर बोलते हैं कि इलाज संभव ही नहीं है, उस प्रकार के मरीज हमारे पास में आते हैं, वो मरीज भी जब हमारे पास आते हैं तो उनका हम इलाज करते हैं और वो मरीज भी उनकी जो मैक्सिमम लाइफ है उसको वो जीते हैं कम तकलीफों के साथ और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए आगे का जीवन लेके चलते हैं। अच्छा, रिसर्च सेंटर नाम जुड़ा हुआ है, तो रिसर्च क्या सिर्फ कैंसर पर है या और भी सुविधाएं अस्पताल में हैं? हाँ, देखिए, हमारा जो पूरा जो ट्रीटमेंट है वो क्लिनिकल बेस्ड ट्रीटमेंट है और हमारे द्वारा अभी तक ऐसी बहुत सारी इन्वेंशन मेडिसिन का किया गया है, रिसर्च की गई है, जिसके अंदर जो कहते हैं कि जैसे पेन है तो पेन का कोई इलाज नहीं है, जब पेन स्टार्ट होता है तो एलोपैथी के अंदर कोई भी पेन किलर काम नहीं करती, उसको मॉर्फिन पर डाल देते हैं और मॉर्फिन क्या करती है, ब्रेन को ब्लॉक करती है, तो हमारा जो हॉस्पिटल है पेन को मैनेजमेंट करता है, कैसा भी पेन हो उस मरीज को हम जब अपनी मेडिसिन एक्सटर्नल एप्लीकेशंस करते हैं, हम उसको खिलाते हैं तो उसका एनर्जी का सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ता है और पेशेंट का पेन ऑटोमेटिक ख़त्म होना चालू होता है, और पेशेंट का जब पेन ख़त्म होता है तो पेशेंट फिर खाना पीना चालू करता है और अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग करता है आगे। ठीक, मतलब, और इसमें एक और बात समझना चाहते हैं कि जब अगर कैंसर के पेशेंट हैं उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या उनके परिजनों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कैंसर के जो मरीज हैं उनको पहले तो अपने जो खाना पीना है उसको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम बोलते हैं कि हमारे जो कैंसर के जो मरीज हैं उन्हें अल्कलाइन डाइट्स लेना चाहिए, मिलेट्स खाना चाहिए, मतलब गेहूं को हम छोड़ देना चाहिए, ज्वार, बाजरा, रागी का इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट जैसे नॉनवेज है, अंडा है, ड्राई फ्रूट्स है, इसको पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए, और दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, दूध से बनी चीज़ें उनको नहीं खाना है, तो इस प्रकार से यदि हम डाइट लेंगे तो निश्चित ही कि पेशेंट की लाइफ प्रोलॉन्ग होती है और कैंसर धीरे धीरे ठीक भी होता है। और एक चीज़ का जिक्र आप कर रहे थे कुछ समय पहले कि एलोपैथिक में प्रोटीन ज़्यादा देने की बात की जाती है और एक बात है कि प्रोटीन खाता है कैंसर, तो इसके उलट आप ऐसा क्यों कहते हैं इलेक्ट्रोहोमोपैथिक? देखिए, क्या होता है कि जब पेशेंट को जब कैंसर होता है तो हम देखते हैं कि पेशेंट का जो वेट लॉस होता है एकदम से, यदि ऑपरेशन में जाता है तो उसका ब्लड लॉस भी होता है, तो उस समय एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ताकत कहाँ से आएगी, तो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि इनको हाई प्रोटीन डाइट दीजिए, तो वो प्रोटीन पाउडर के रूप में या नॉनवेज के रूप में उसको सजेस्ट करते हैं उन्हें खाना है, तो जब उनको वो चीज़ें मिलना स्टार्ट होती है तो कैंसर के सेल्स को जब उनका वापस से भोजन मिलता है, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो कैंसर कभी भी ठीक नहीं होगा,
और हम कहते हैं कि यदि हम उसका न्यूट्रिशन बंद कर दें, हाई प्रोटीन डाइट बंद कर दें, तो कैंसर के सेल्स को जब उसका डाइट ही नहीं मिलेगी तो निश्चित है कि कैंसर के सेल्स ऑटोमेटिक खत्म होना चालू होंगे और कैंसर ठीक होना स्टार्ट होगा। अच्छा, आपकी जर्नी क्या है डॉक्टर अजय जी? आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? देखिए, मैंने अपनी जर्नी जो स्टार्ट की है 19 से मैंने स्टार्ट किया है, और 19 में मैंने अपनी डिग्री लेने के बाद में, प्रोजेक्शन करने के बाद में, मैंने 92 के अंदर अपना ओपीडी स्टार्ट किया था, हॉस्पिटल स्टार्ट किया। और जब मुझे कैंसर में और अन्य डिसीज में मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते गए तो मैंने 2003 के अंदर देवीला हॉस्पिटल का स्थापना की, और उसके बाद मैंने हार्ट संबंधित बीमारी, किडनी संबंधित बीमारी, लीवर संबंधित डिसीज़ का मैंने बहुत सारा क्लिनिकल ट्रायल किया, और उसके बाद में मैंने कैंसर पे जब मैंने बहुत फोकस किया, और 2019 से जो ये हॉस्पिटल है वो पूर्ण रूप से कैंसर डिसीज़ के लिए मैंने डेडिकेटेड कर दिया। मतलब आपका अस्पताल डेडिकेटेड है पूरी तरीके से कैंसर मरीजों के लिए। कोई केस स्टडी आप यहाँ जिक्र करना चाहेंगे? निश्चित, देखिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। मैं एक केस आपको ऐसा बताऊंगा कि लंग कैंसर के जो केस है, जिसको एक पेशेंट था हमारा जिसको लंग्स ट्यूमर हुआ था, जिसका साइज करीब 6 सेंटीमीटर बाय 17 सेंटीमीटर का था, और वो पेशेंट की बेटी को भी कैंसर हुआ था और वो 6 महीने में एक्सपायर कर गई थी कीमोथेरेपी रेडिएशन सर्जरी के बाद। तो वो एलोपैथी इलाज लेना नहीं चाहते थे, वो हमारे पास आए और हमने ट्रीटमेंट किया, और ट्रीटमेंट के 1 महीने में ही उन्होंने दोबारा जब वापस सिटी स्कैन कराया तो उनका ट्यूमर था वो डिजॉल्व हो गया। उनका इलाज हमारे यहाँ लगभग 1 साल चला, और 1 साल के अंदर उन्होंने 10 सिटी स्कैन कराए, और आज वो पेशेंट लगभग 3.5 साल के बाद भी बहुत ही अच्छे हैं, हेल्दी हैं। आज उनकी एज लगभग 69 ईयर है और कैंसर उनका ठीक हो गया। तो ऐसे और भी बहुत सारे मरीज हैं जो कैंसर, हमारे मेटल स्टेज के कैंसर भी ठीक हुए हैं। लेकिन गारंटी 100% क्या दे सकते हैं? नहीं, देखिए कैंसर जैसी बीमारी में तो हम गारंटी दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कैंसर का पूरा इलाज ही पैलिएटिव केयर में आता है। तो हम पैलिएटिव केयर दे रहे हैं, साथ में क्यूरेटिव केयर भी दे रहे हैं। तो कई मरीज जिसकी लाइफ है और हमने कहा है कि आपको इस प्रकार को अपने डाइट को और इसको आप चेंज करेंगे तो ऐसे पेशेंट क्योर भी हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को लाइफ नहीं मिलती है कि वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने ही वो जिंदा रह पा रहा है। यदि मरीज को लाइफ मिल रही है और वो साल भर जीवित रह रहा है और हम जो डाइट प्लान कर रहे हैं तो निश्चित है कि उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग होते हुए कई बार वो क्योर भी हो जाते हैं। ये सही बात है कि आप सावधानी पहले बरत लीजिए, इसलिए डॉक्टर अजय जो है वो लगातार इसमें काम कर रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर अजय हाड़िया जी, देवी अहिल्या रिसर्च सेंटर जो कैंसर के लिए डेडिकेटेड अस्पताल है, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी ये एक नई तकनीक है जिससे कैंसर के मरीजों की का क्योर बहुत बेहतर ढंग से हो रहा है। आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर। कॉल 9584040131।